This Lellan Top video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. घर बैठे बोर हो रहे हो तो ऑफलाइन गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म Winzo ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट UPI या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। यूपी में पंचायत चुनाव होने में 10 दिन का समय बचा है। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BSP ने कई जिलों के पंचायती पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये प्रत्याशी बड़ी संख्या में पर्चा दाखिल करने आ रहे हैं। इनमें निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी अच्छी खासी है। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो न सिर्फ अपने इलाके के बड़े नेता हैं बल्कि पहले सांसदी और विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन अब पंचायत स्तर पर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार अलग अलग वजहों के चलते चर्चा में हैं। कोई अपना करियर अचानक छोड़ चुनावी राजनीति में कूद पड़ा है तो किसी के सिर पर वह चुनाव लड़ने का भूत सवार है। किसी ने तो प्रधानी के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ही तोड़ डाला है। जानते हैं ऐसे कुछ अनोखे उम्मीदवारों के बारे में। मिस इंडिया रनर अप चुनावी मैदान में। वैसे तो किसी भी स्तर का चुनाव लड़ने में कोई अनोखी बात नहीं है लेकिन यूपी पंचायत चुनावों में दीक्षा सिंह की अचानक हुई एंट्री और उनका करियर बैकग्राउंड उन्हें इस चुनाव के अनोखे उम्मीदवारों में से एक बनाते हैं। दीक्षा साल 2015 में फेमिना मिस इंडिया की रनर अप रह चुकी हैं। वो जब गोवा में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तभी उन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने लगे थे। बाद में उन्होंने बतौर मॉडल काम भी किया। वे कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं लेकिन 24 वर्षीय दीक्षा ने अचानक चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जिसने सबका ध्यान खींचा है। दीक्षा सिंह जौनपुर जिले के बक्सा विकासखंड के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगी। इस सीट पर पहले उनके पिता जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन राज्य सरकार ने सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। चूंकि जितेंद्र सिंह कई दिनों से इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे इसलिए वे अपनी मेहनत जाया नहीं होने देना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को चुनाव में उतार दिया। 81 साल की दादी लड़ रही इलेक्शन। जौनपुर में 24 साल की दीक्षा चुनाव लड़ेंगी तो कानपुर में 80 साल से ज्यादा उम्र की बुजुर्ग महिला ने नामांकन पर्चा भर सबको हैरान कर दिया है। आज तक के रिपोर्टर रंजय सिंह के मुताबिक कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक से पंचायती चुनाव लड़ने जा रही रानी अम्मा 81 साल की हो गई हैं। कहती हैं कि उनके इलाके का विकास नहीं हुआ। गांव की सड़क और नाली टूटी पड़ी है। गंदे पानी से बीमारी फैल रही है। रानी अम्मा के मुताबिक गांव के लोगों ने स्थानीय नेता और प्रशासन से इस बारे में कुछ करने की अपील भी की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में इलाके की हालत में बदलाव लाने के लिए उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली और चुनाव लड़ने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक दादी अम्मा चुनाव जीते या हारे लेकिन उनकी उम्मीदवारी ने स्थानीय लोगों में जोश और दूसरे चुनावी प्रतिद्वंदियों में डर भर दिया है। इससे उत्साहित दादी अम्मा इस उम्र में गाँव में घूम घूम कर प्रचार कर रही है और अपने लिए वोट मांग रही है। बैंडिट क्वीन भी आजमा रही किस्मत। यूपी के पंचायत चुनावों के दिलचस्प उम्मीदवारों में एक और महिला शामिल है। नाम है सुरेखा। इनामी डकैत रहे सलीम गुज्जर की पत्नी है। 1999 में सलीम गुज्जर ने सुरेखा को अगवा कर लिया था। बाद में उसने सुरेखा से शादी कर ली। डाकुओं के साथ रहते हुए सुरेखा की जिंदगी के 5 साल भीड़ों में बंदूकों के साथ बीत गए। फिर 2004 में पुलिस से हुई मुठभेड़ में सुरेखा पकड़ी गई थी। वो उस समय गर्भवती थी, भाग नहीं सकी। कई मामले दर्ज होने के चलते सुरेखा ने 14 साल जेल में बिताए। बाद में अदालत ने पूर्व दस्यु सुंदरी को सभी मुकदमों से बरी कर दिया। वह अब बदनपुरा गांव में बेटे के साथ भाई भाभी के घर पर रह रही हैं। आज तक के कौशलेंद्र विक्रम सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बदनपुरा गांव में गुज्जर समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है और सुरेखा धोबी समाज से आती हैं लेकिन गांव में उन्हें और उनके परिवार को काफी सम्मान दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यही कारण है कि सुरेखा प्रधान बनकर गांव के लिए कुछ करना चाहती हैं। 92 बार हारने के बाद भी नहीं टूटी हिम्मत। यूपी पंचायत चुनाव के एक और अनोखे कैंडिडेट हैं हसनूराम अंबेडकरी। 75 साल के हैं। पिछले 35-36 सालों में 90 से ज्यादा चुनाव लड़ चुके हैं, जीते एक भी नहीं लेकिन खुद से हार मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आते हसनूराम कमर कस लेते हैं, कहते हैं चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उनके पास उतना सब करने की क्षमता नहीं है लेकिन चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। इस बार हसनूराम खेरागढ़ के वार्ड 23 से पंचायत इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कहते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। हसनूराम ने जीवन का पहला चुनाव आगरा की खेरागढ़ विधानसभा सीट से लड़ा था 1984 में। तब से अब तक हसनूराम 92 चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें पंचायती, विधायकी, सांसदी और अन्य प्रकार के चुनाव शामिल हैं। यहां तक कि एक बार हसनूराम राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी ट्राई मार चुके हैं लेकिन उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था।
1984 में हसनूराम बीएसपी के कार्यकर्ता थे, तब पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक कहकर उनका मजाक उड़ा दिया था कि तुम्हें तो घरवाले भी वोट नहीं देंगे। तब से हसनू पर चुनाव लड़ने की धुन सवार है। सोने में लड़झर पति के साथ आई उम्मीदवार। यूपी पंचायती चुनाव में कहीं कैंडिडेट दिलचस्प निकल रहा है तो कहीं उससे जुड़े लोग उसकी उम्मीदवारी को दिलचस्प बना दे रहे हैं। यूपी के हरदोई में ऐसा देखा गया। यहां जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही रेखा मिश्रा भाजपा के टिकट पर, वो जब नामांकन भरने अपने पति राजेश मिश्रा के साथ पहुंची तो कार्यालय में मौजूद अधिकारी और अन्य लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। आज तक से जुड़े ब्रजेश कुमार मधुकर की रिपोर्ट के मुताबिक राजेश ने उस समय आधा किलो सोना पहन रखा था। बातचीत में राजेश ने बताया कि वे 2005 से लगातार सोना पहन रहे हैं। राजेश ने कहा कि वो हरपालपुर से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, अब अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के परिवार में करा दी बेटे की शादी। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा देवरिया के एक मामले से लगाया जा सकता है। यहाँ के एक नेता सरफराज अहमद तरकुलवा ब्लॉक के नारायणपुर गांव का प्रधान बनने के लिए सालों से चुनावी तैयारी कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दी। तब सरफराज ने ऐसा कदम उठाया कि कई लोग हैरान रह गए। 2015 के चुनाव में सरफराज महज 28 वोटों से हार गए थे। जाहिर है उन्हें इस बार जीतने की काफी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने उनके इलाके की सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी। सरफराज अहमद के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वे सरफराज सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसे में प्रधानी हासिल करने के लिए सरफराज ने करीबी लोगों की सलाह पर एक काम किया। उन्होंने अपने बेटे सिराज अहमद की शादी पिछड़े वर्ग से आने वाली एक लड़की सलमा खातून से करा डाली। अब सरफराज अपनी बहू को प्रधानी का चुनाव लड़वाएंगे। ब्रह्मचर्य का व्रत ही तोड़ डाला। आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के सरफराज को ओबीसी वर्ग की लड़की को बहू बनाना पड़ा, तो बलिया के हाथी सिंह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ही तोड़ डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथी सिंह मुरली छपरा ब्लॉक से प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे पिछले चुनाव में केवल 57 वोटों से हार गए थे। इस बार उन्हें जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। इस इलाके में लंबे समय सामाजिक कार्य कर रहे हाथी सिंह के लिए झटका था। ऐसे में उन्हें समाज सेवा की प्रतिज्ञा के आगे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा त्यागनी पड़ी। प्रधानी हासिल करने के लिए उन्होंने आजीवन शादी नहीं करने की कसम तोड़ दी, यानी शादी कर डाली, वो भी बिना मुहूर्त के। अब हाथी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव के कुछ दिलचस्प कैंडिडेट्स के बारे में आपने जान लिया, अब जरा उन चुनाव चिन्हों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं जो उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए गए हैं। आज तक के नाहिद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम प्रधान के लिए 57 चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। इनमें चूड़ियां और पंखे से लेकर त्रिशूल और तोप तक शामिल हैं। किसी को चुनाव चिन्ह के रूप में गदा दी गई है तो किसी को धनुष पकड़ा दिया गया है। आइसक्रीम, टमाटर, ऊन का गोला तक चुनाव चिन्ह बनकर प्रधान पद के प्रत्याशी को दिए गए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्य के पदों के उम्मीदवारों को गिटार, घुड़सवार, थर्मस, लट्टू, रोड रोलर, सिर पर कलश लिए महिला, कटहल, सीमेंट की बोरी और हैंगर जैसे चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत चुनाव के सदस्यों को ईंट, गुल्ली डंडा और लड़का लड़की चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी दुष्यंत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।